टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एंटी करप्शन ब्यूरो बताना चाहेंगे कि अब जनता के लिए अवेलेबल होंगे ऑल वर्किंग डेज 2 से 5 बजे तक। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। हाल ही में जो नए डीजीपी जम्मू आए आरआर स्वेना, उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए हर दिन यानी अवेलेबल होना टाइमिंग भी बताई गई थी किस तरह से पब्लिक को ग्रीवेंस को सुना जाएगा, पब्लिक यानी कि पब्लिक के ग्रीवेंसेस को। तो उसी के चलते निर्धारित समय भी दिया था कि हर दिन जनता के जो मुद्दे सुने जाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अपने जो उनके विभाग के अधिकार उनकी भी परेशानी का सुनेंगे और समाधान होगा। वहीं कई लोगों ने उनकी इस मीटिंग के साथ जो कि मीटिंग रखी गई है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए कई सारी जनता के मुद्दों को समाधान भी हुआ। कई महिलाएं तो जो काफी देर से यानी अधिकार के लिए अपने हक के लिए लगातार दर बदर भटक रही थी, वही उनकी उस मीटिंग में कहीं ना कहीं उनके मसले भी हल हुए। अब एक और नया जो बात सामने आई जनता की सुविधा के लिए बताना चाहेंगे, जो शक्ति कुमार पाटिल जो पहले डीआईजी जम्मू थे, अब वो डायरेक्टर जेएनके एंटी करप्शन ब्यूरो का उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीवेंसेस है जनरल पब्लिक के वो सुने जाएंगे ऑल वर्किंग डेज में। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस है बिहाइंड सिविल सेक्रेटेरिएट में, वहां पर आकर अपनी जो शिकायत है अपनी परेशानी है वहां आकर जो डायरेक्टर है एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के उनके समक्ष हम रख सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग की अगर बात करें, ये वो विभाग है जितने भी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो सारे इन मामलों को डील करता है, और जो भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन्हीं के माध्यम से उन पर शिकंजा कसा जाता है। और ये जरूर कहेंगे कि आम जनता का इसमें काफी सहयोग मिल रहा है। आए दिन अगर सरकारी कर्मचारी जो अपने यानी के कुर्सी का या अपने ओहदे का दुरुपयोग करके आम जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटने का प्रयास करते हैं, उनको उन्हीं के काम के लिए मोटी रकम का उनसे तकाजा करते हैं, उन पर भी लगातार शिकंजा कसा गया एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन तक जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो तक जानकारियां पहुंचना बड़ा ही जरूरी है, और जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि हर जगह अगर बात करें तो आए दिन इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बार अपने नंबर भी फ्लैश किए कि अगर किसी भी जनता को लगता कि उनसे घूस मांगी जा रही है या उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो इन नंबरों पर यानी कि संपर्क करके अपनी दुविधा को बता सकते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आम जनता की सुविधा के लिए अब जो पहले डीआईजी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे शक्ति कुमार पाठक, अब वो डायरेक्टर है एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने जनता की सुविधा के लिए जनता की परेशानी को कम करने के लिए कि उन्हें बार बार चक्कर ना लगाने पड़े या उनकी मुश्किलें क्या क्या है, किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से जनता से मिलकर इसकी मुहिम के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है उसको खत्म किया जाए, उस मुहिम में जनता का सहयोग लिया जाए। उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए अब एक टाइमिंग निर्धारित कर दी है ऑल वर्किंग डेज में, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस है बिहाइंड जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वहां पर, और बताना चाहेंगे हर दिन यानी कि ऑल वर्किंग डेज में 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनेंगे या कहीं जो वो लोग उनकी परेशानी को सुनेंगे जो भ्रष्टाचार का शिकार हुए या जिनसे भ्रष्टाचार करने को कहा जा रहा है या अपने ही काम के लिए जनता से यानी पैसा ऐंठा जाता है, उनसे करप्शन ली जा रही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो इन सब पर नजर रखे और एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिनसे करवाने का प्रयास किया जा रहा है या अपने ही काम के लिए जब सरकारी दफ्तरों में आप जाते हैं तो आपसे एक मोटी रकम का तकाजा किया जाता, मांगी जाती है आपके अपने ही काम के लिए, तो आपके लिए खुला अवसर है। क्योंकि एक तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं आम जनता से भी निवेदन है, अगर आपसे कोई भी भ्रष्टाचार करने को कहता या यूं के भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के लिए कहता तो आप जरूर एंटी करप्शन ब्यूरो में आप संपर्क कर सकते हैं उन भ्रष्टाचारियों को जो अपनी कुर्सी का ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हैं, आपसे अपने ही काम करवाने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं, एक तरफ से सरकार की तरफ से मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं और दूसरी तरफ आम जनता को लूटने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता का सहयोग बड़ा ही जरूरी है। इसी तरह से अगर बात करें तो अब होम डिपार्टमेंट में काफी सारे बदलाव हुए हैं, जहां पर SSP की बात करें, DSPs की बात करें या DIGs की बात करें, यानी काफी बदलाव किए गए और कहीं ना कहीं आम जनता पर उनका विश्वास सुनिश्चित करने
के लिए लगातार इस तरह की जो मीटिंग्स है वो की जा रही है, इस तरह के जो पब्लिक मीटिंग की अगर बात करें या इस तरह के ग्रीवेंस सुनने की बात करें तो वो समय भी निर्धारित किया जा रहा है, जिस तरह से डीजीपी जम्मू आरएसवैन ने किया और उनके काम से आज डीजीपी जम्मू बड़े कम समय में जूही ने कारोबार संभाला। हर जनता के दिल पर या उनके जुबान पर डीजीपी आरएसवैन का नाम है, क्योंकि इंसान अगर कोई भी ओहदेदार हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई संतरी मंत्री हो, वो अपने काम से जाना जाता है। इसी तरह से अगर बात करें पुलिस के जो डीजीपी जम्मू है आरएसवैन, अपने काम से जाने जाने लगे हैं। लोगों का विश्वास दृढ़ करने के लिए उन्होंने भी पब्लिक ग्रीवेंस को सुनने के लिए दिन निर्धारित किए थे, जो हमने सबसे पहले आपको खबर बताई थी। इसी तरह से आप एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जो नए जिन्हें कार्यभार संभाला गया है शक्ति कुमार पाठक, अब उन्होंने भी समय निर्धारित कर दिया है कि हर वर्किंग डे के दिन 2 से लेकर 5 बजे तक वो पब्लिक ग्रीवेंस सुनेंगे कि जनता कहां का भ्रष्टाचार का शिकार हुई है, जनता कहां का परेशान है, उनके परेशानी को समझा जाएगा। अब ये जरूर कहेंगे कि अब खैर नहीं उन लोगों की जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी चार करते हैं, भ्रष्टाचारी के माध्यम से आम जनता को ठगते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, अब लगातार उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एक ये जरूर कहेंगे सराहनीय कदम है डायरेक्टर जो है नए शक्ति पाठक जो आए हैं, शक्ति कुमार पाठक एंटी करप्शन ब्यूरो के। अगर जनता भी हमें सुन रही है, अपने कमेंट सुझाव तो दीजिए, पर इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आए दिन हमारी जनता में से कोई ना कोई इस भ्रष्टाचार का शिकार होता है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ऐसा भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए आपको सुनहरा मौका मिला है। आप तुरंत एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस जो है बिहाइंड जो सिविल सेक्रेटरी जम्मू है उसके पीछे जो ऑफिस है, अब वहां पर जाकर डेली 2 से 5 जब आपकी पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा, आप भी अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आप परेशानी लेकर जो डायरेक्टर है एंटी करप्शन ब्यूरो के शक्ति पाठक उनके समक्ष रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस पहल से हो सकता है कई जनता का भला हो जाए और उन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने में सहयोग मिले जो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का अपने पद का नाजायज फायदा ले रहे और आम जनता को ठगे जा रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंचे और जनता जो इस समय शिकार है भ्रष्टाचार का या उनसे भ्रष्टाचार के लिए कहा जा रहा है वो तुरंत उनकी जो खबरें हैं वहां तक पहुंचाए, ताकि इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।